T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत 2 जून से लेकर 29 जून तक अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाली है, लेकिन वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही क्रिकेट को हिला देने वाली एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। बात करें इस खबर के बारे में तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए आगे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसी खबरें लेके आता रहता हूँ। जैसा कि सभी को पता है, वर्ल्ड कप की शुरुआत 2 जून से होने वाली है और इस वर्ल्ड कप के लिए सभी देशों ने अपनी अपनी टीमें अनाउंस कर दी हैं। वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच अमेरिका में खेले जाने हैं, इसके बाद के नॉकआउट मैच और फाइनल मैच वेस्टइंडीज में खेले जाएंगे। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड के साथ खेलेगी। इसके बाद में अगला मुकाबला 9 जून को बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है, जो कि टीम इंडिया का पाकिस्तान के साथ होगा। इसके बाद टीम इंडिया अपना तीसरा मुकाबला अमेरिका के साथ 12 जून को और साथ ही 15 जून को खेलेगी टीम इंडिया अपना मुकाबला कनाडा के साथ। टीम इंडिया अगर इन 4 मुकाबलों में से 2 या 3 मुकाबले जीतती है तो टीम इंडिया सुपर 8 में क्वालिफाई कर लेगी और इसके बाद में टीम इंडिया के आगे आने वाले मुकाबले वेस्टइंडीज में खेले जाएंगे। लेकिन टीम इंडिया का वेस्टइंडीज में जाकर खेलना आसान नहीं होगा, क्योंकि वेस्टइंडीज के पास में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के IS आतंकियों ने कुछ वीडियो भेजे हैं। उन वीडियो में आतंकियों ने साफ संकेत दिखाए हैं कि वो वर्ल्ड कप में कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं, लेकिन वेस्टइंडीज की सरकार ने इन वीडियो के बारे में सफाई देते हुए कहा है कि वह वर्ल्ड कप में पूरी सावधानी बरतने वाली है और साथ ही वेस्टइंडीज की सरकार ने सभी टीमों को सुरक्षा की गारंटी दी है। आतंकियों ने सिर्फ वेस्टइंडीज की सरकार को धमकी भरे वीडियो भेजे हैं, बल्कि अमेरिका की सरकार को बिल्कुल भी धमकी भरे वीडियो नहीं भेजे हैं। तो इसका मतलब अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलना बिल्कुल सेफ है, लेकिन वेस्टइंडीज में वर्ल्ड कप खेलने के लिए वेस्टइंडीज की सरकार को बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे। आपको बता दें, यह वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें भी वर्ल्ड कप में आने वाली हैं। तो अगर क्रिकेट जगत में आतंकियों को लेकर कोई ऐसी घटना होती है तो यह क्रिकेट के लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।